हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बन एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हमारे लेक्चर नंबर 113 पर। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टैब्यूलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन सारे सॉल्यूशंस कोड करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका नाम है मिनिमम कॉस्ट फॉर टिकट्स, अगर आप बीट कोड पर सर्च करते हैं तो। और यहाँ पर हम इसको कोड स्टूडियो पर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर इसका नाम है निंजाज ट्रिप, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि निंजा इज गोइंग टू टेक सम टाइम ऑफ, ठीक है, उसको थोड़ी छुट्टियाँ चाहिए फ्रॉम हिज ट्रेनिंग एंड प्लानिंग अ ईयर लॉन्ग टूर, ठीक है, एक साल का टूर प्लान कर लिया। वाओ, यू आर गिवन अ डेज एरे, आपको एक डेज का एरे दिया हुआ है जिसके अंदर एन डेज हैं, ठीक है। व्हेन निंजाज विल बी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द ईयर, ओके, जिस जिस दिन उसको ट्रैवल करना है वो सारे दिन का आपके पास एरे पड़ा हुआ है, ठीक है। ईच डे इज एन इंटीजर बिटवीन 1 से लेकर 365, तो 1 से लेकर 365 के बीच में कोई भी एक दिन वो ट्रैवल कर सकता है, उसकी मर्जी है। ट्रेन टिकट आर सोल्ड इन 3 डिफरेंट वेज, ट्रेन की जो टिकट है वो 3 तरीके से बेची जाती है। एक आपका सिंगल दिन का पास, सिंगल डे का पास है जिसकी कॉस्ट है कॉस्ट 0। एक आपका 7 डे का पास, 7 डेज का पास बनता है जिसकी कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ 1। एक आपका 30 डे का पास बनता है, मतलब 30 दिन ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें आपकी कॉस्ट है कॉस्ट 2, ठीक है। तो इसने बोला कि इफ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे आपने कहा कि मेरे पास 2 दिन है, 2 और 5, इन 2 दिन में ट्रैवल करना चाहता हूँ, इन 2 दिन में ट्रैवल करना चाहता हूँ ईयर के, यानी 2 तारीख, मतलब 1 से लेकर 365 डेज एक ईयर के अंदर होते हैं, उसमें से 2रा दिन और 5वां दिन इसमें ट्रैवल करना चाहता हूँ। मेरे पास 3 तरीके हैं टिकट खरीदने के, या तो मैं सिंगल सिंगल डे के लूँ कि 2रे दिन का एक पास बनवा लिया और 5वें दिन का एक पास बनवा लिया, 2 सिंगल डे पास ले लिए। दूसरा तरीका कि मैं एक 7 डे का पास ले लूँ कि मैंने 2 तारीख को एक पास बनवाया 7 दिन का, जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन दिन तक वैलिड रहने वाला है, 7 दिन का पास है ना, या फिर 30 डे का पास बनवा लें जिसमें मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, वो मेरा आंसर है। या फिर ये वाला केस अगर मैं देखूंगा इन 7 दिन में ट्रैवल करना चाहता हूँ अपने ईयर में, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, और मेरे 7 डे का पास है 7 रुपये का, 1 डे का पास है 2 रुपये का, और 30 डे का पास है 20 रुपीज़ का। तो इस प्रकार ये मेरा इनपुट फॉर्मेट है, मेरा क्वेश्चन ये कहता है, और मुझे निकालना है बेसिकली मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ इन सारे सारे डेज में, कॉस्ट मेरे को दी हुई है, मुझे निकालना है मिनिमम कॉस्ट जिससे मैं ट्रैवल कर पाऊँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो हम बात करने वाले इस क्वेश्चन के बारे में कैसे सॉल्व करना सोचते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट अपने स्पॉन्सर्स को शाउट आउट देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सेट डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ मैं यार, DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहां से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोज मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं। आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो मैंने कहा कि बहुत ही सिंपल गेम है। डीपीवी में कन्वर्ट करना तो अच्छे से आ चुका है। सारी गेम होते हैं रिकर्जन, रिकर्जन रिलेशन फाइंड आउट करने के। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर मैं किसी भी डे पर खड़ा हूँ मेरे पास 3 ऑप्शन है कि यार मैं तो 1 दिन का पास ले लूँ, या मैं 7 दिन का पास ले लूँ, या मैं 30 दिन का पास ले लूँ। 3 ऑप्शन है मेरे पास। तो आसान हुई गेम यार, एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन बनेगा रिकर्जन के द्वारा, बट ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि चलो यार ये आपका एक इनपुट फॉर्मेट है, मैंने बोला कि इनपुट आपका ये है कुछ इस प्रकार का कि 1, 4, 6, 7, 8, 20, ये आपका डेज वाला एरे है, ये आपका डेज वाला एरे है, और आपकी कॉस्ट वाला एरे इस प्रकार है। सिंगल डे का पास है भैया 2 रुपये का, 7 दिन का पास है 7 रुपये का, और 30 दिन का पास है 15 रुपये का, ठीक है। इस प्रकार आपका सॉल्यूशन है। तो अगर ध्यान से मैं देखूं मेरे पास क्या ऑप्शन है यार, अगर मैं 30 दिन का पास लेता हूं तो 1 से लेकर 30 मेरे सारे के सारे डेज कवर हो जाएंगे। तो 30 दिन का पास से मैं सारे के सारे डेज कवर कर लूंगा, हर दिन ट्रैवल कर सकता हूं, पर पैसे लगेंगे 15 रुपये, ठीक है। अगर मैं लेट्स से 1 पे खड़ा होकर 7 डे का पास ले लूं तो क्या होगा, तो मैं यहां से यहां तक का ट्रैवल कर पाऊंगा, फिर बचे ये 2 दिन, 7 और 8 और 20। लेट्स मैंने सिंगल सिंगल डे का पास ले लिया, तो इन शॉर्ट 1 7 दिन का पास यानी कि 7 रुपये, और 2 सिंगल डे वाले यानी 2+2 कितना हो गया, 7, 4, 11 रुपये, ठीक है कम मिल गया। अगला केस कि मैंने हर दिन सिंगल सिंगल डे का पास ले लिया, 6 सिंगल पास ले लिए, 6 × 2 = 12, तो मुझे इन तीनों का मिनिमम निकालना था, 12, 11, 15 आ गया, आंसर आ गया 11, राइट। और भी इसमें से और भी पोटेंशियल सोल्यूशन बन सकते हैं, इसमें मैंने आपको थोड़े से दिखाए हैं, ठीक है। इसमें से और भी सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं कि भैया मैंने यहाँ भी 7 का पास ले लिया, मैंने यहाँ भी 7 कर लिया, यहाँ भी 7 कर लिया, यहाँ भी 7 कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन बन सकते हैं।
मुझे आपको मिनिमम निकाल के दिखाना था, तो मैंने सिर्फ यही तीन केस कंसिडर कर लिए, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसके पीछे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि स्पेसिफिक रीजन हो, नहीं कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने बोला बहुत सिंपल है, मेरे पास यहाँ पर ये एक एरे पड़ा है कि मुझे दूसरे दिन और मुझे पांचवें दिन ट्रैवल करना है, मुझे दूसरे दिन और मुझे पांचवें दिन ट्रैवल करना है, और मेरे पास 1425 की कोस्ट पड़ी हुई है, 1425 की कोस्ट पड़ी हुई है, मैंने बोला मेरे पास 1425 की कोस्ट पड़ी हुई है, 1,425, ठीक है। लेट्स से इस प्रॉब्लम को मैंने बोला कि मैं आई मेरा यहाँ पर है, और मैंने क्या बोला, मैंने इस दिन ना यार सिंगल डे का पास ले लिया, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे पहले दिन का यानी वन डे वाला पास लेता तो कितना आंसर बनेगा, टोटल आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 1+ हो जाएगा मेरा आंसर में, राइट। मेरी कोस्ट लेट से जो कोस्ट स्टार्टिंग में जीरो थी वो कोस्ट अब कितनी हो जाएगी, जीरो। जो कोस्ट स्टार्टिंग में जीरो थी वो कोस्ट अब बढ़ के 1 हो जाएगी, 0+1 होता ना, तो ये हो गया 2.5। आई मेरा यहाँ पे है, कोस्ट मेरी क्या हो गई, ये वाला 0, ये वाला 1 हो गई, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार ये वाले 5 पे हूँ मैं, क्या करूँ, ऐसा करता हूँ सिंगल डे का पास ले लेता हूँ। तो सिंगल डे का पास जब लिया तो 2.5 आई मेरा बाहर आ गया, और पहले आंसर 1 था, अब भी 1, एक दिन का पास आपने यूज किया है, उसकी कोस्ट कितनी है, 1, तो 1+1 2 हो गया, ठीक है। आई मेरा एरे से बाहर निकल चुका है, यानी कि मेरी बेस कंडीशन रीच हो चुकी है, यानी कि मेरा एक आंसर आ चुका है, यानी कि मेरा एक आंसर आ चुका है। तो मैंने बोला कि मेरा एक आंसर आ गया, तो उस आंसर के हिसाब से मिनिमम को अपडेट कर देना, जब तुम मिनिमम आंसर अपडेट ट्रैक कर रहे होगे ना, तो आपका एक आंसर 2 निकल चुका है, कि ये 2 एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से वापस गया, यहाँ से क्या मैं 7 डे का पास ले सकता था, मैंने कहा बिल्कुल ले सकते थे, तब कितनी कोस्ट लगती, 4 लगती, तो 1 और 4 5 हो गया, और आपका बेस केस फिर से रीच हो गया, तो ये भी एक और सोल्यूशन आपको मिला था, ठीक है। यहाँ से क्या मैं 30 दिन का पास ले सकता था, बिल्कुल ले सकते थे, क्या बना आंसर, 25, तो 1 और 25 कितना होता है, 26, आपका 26 रुपये आंसर हो गया, राइट, आपका 26 रुपये आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप रिटर्न कर गए, फिर आपने यहाँ बोला क्या यहाँ पे मैं 2 के ऊपर 7 दिन का पास ले सकता हूँ, मैंने बोला बिल्कुल ले सकते हो, पर चेक कर लो, पर चेक कर लो 7 दिन का पास हो गया तो कौन कौन से डेज कवर हो जाएंगे, आपने 2 भी कवर हो जाएगा और 5 भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई जो है मेरा वो बाहर निकल गया, क्योंकि 7 दिन के पास के अंदर अगर मैं 2 पिखड़ों के 7 दिन का पास लेता हूँ तो वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सारे डेज पर वैलिड होगा। तो आई मेरा बाहर निकल गया, कोस्ट मेरी क्या हो गई, पहले 0 थी और 7 का पास 4 रुपये का, 0+4 4 रुपये, एक और कोस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है। क्या अब बेस कैसे रीच होगा, दैट्स व्हाई मैंने अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ, नहीं तो लिखता नहीं मैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर 2 पिखड़ों के मैं 30 दिन का पास लेता, अगर 2 पिखड़ों के मैं 30 दिन का पास लेता, तो उसमें क्या ये सारा का सारा एरे कवर हो रहा है या फिर कितने दिन कवर हो रहे हैं, उसके हिसाब से आई को अपडेट कर देना। तो मैंने बोला 30 दिन अगर मैं 2 पिखड़ों को पास लेता हूँ तो भैया ठीक है, मैं 32 दिन तक पहुंच जाता हूँ, तो पूरा का पूरा एरे ट्रैवल्स हो चुका है, आई मेरा बाहर आ गया, कोस्ट क्या है, पहले 0 थी, 30 दिन का पास लिया, 25+ करना पड़ेगा, 0+25 25 25। तो ये वो सारी की सारी कोस्ट है, ये वो सारी की सारी कोस्ट है जो आपने निकाल ली, इनका मिनिमम क्या है, इनका मिनिमम आ रहा है 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिकर्जन के द्वारा सॉल्व करना बहुत आसान गेम है दोस्तों, यहाँ पर रिकर्जन के द्वारा सॉल्व करना बहुत आसान गेम है। मैंने क्या बोला कि आपको बस 3 कॉल्स मारनी है, एक सिंगल डे की, एक 7 डे की, 30 डे की, और आपने रिकर्जन के द्वारा इसको सॉल्व कर लिया है, राइट। चलो तो हमने क्या कहा, चलो सॉल्व करते हैं इसको। हमने बोला मित्र कि ऐसा करो, एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर दो, रिटर्न सॉल्व, हम उसमें पूरा लॉजिक लिख देंगे, उसमें आपने पास कर दिया, आपका एन पास कर दिया, डेज पास कर दिया, कोस्ट पास कर दिया, और आपका इंडेक्स आई हमने कहाँ स्टार्ट किया, 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया, ठीक है, ये पास कर। चलो हमने आप अपना सॉल्व फंक्शन बनाया, हमने अपना सॉल्व फंक्शन बनाया यहाँ पर जो है अपना इंडेक्स भी पास कर दिया, और ये हमने बाय रेफरेंस कर दिए, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। बेस केस लिख लेते हैं बराबर, बेस केस अगर मैं सोचूं यहाँ पर, तो बेस केस क्या होने वाला है। मैंने बोला कि मुझे पहुंचना कहाँ है। आपने बोला कि भैया मुझे ये एन तक पहुंचना था, ये एन मतलब डेज वाला जो आपका वेक्टर है, मैं चाहूँ तो इस एन को यहाँ पे हटा सकता हूँ, डेज डॉट साइज को यूज कर सकता हूँ इसी जगह, बट ठीक है मैंने भेज दिया अभी। तो मैंने बोला अगर मैं ऑलरेडी लास्ट डे पर ही खड़ा हूँ, राइट, मेरे पास ये 2 और 5 है, अगर मैं ऑलरेडी 5वें दिन तक पहुँच चुका हूँ, क्या मुझे और ट्रैवल्स करना चाहिए, क्या मुझे और ट्रेन लेनी चाहिए। मैंने प्लान बनाया था कि मैं 2 और 5 इन दिन पर ट्रैवल करूँगा, अगर मैं ऑलरेडी 5 पर ट्रैवल कर चुका हूँ तो क्या मुझे और पैसे लगाने चाहिए, और टिकट लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका अगर इंडेक्स जो है, अगर आपका इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी ग्रेटर दैन इक्वल टू एन है,
ऑलरेडी गेट दिन निकल चुके हैं, क्योंकि आप लास्ट डे तक पहुंच चुके हैं या उससे ज्यादा आगे निकल चुके हैं, या तो लास्ट डे तक पहुंच चुके हैं उसके आगे ज्यादा निकल चुके हैं, राइट। जैसे इस केस के अंदर आप कौन से डे तक पहुंच गए थे, आप डे टू पे खड़े थे, आपने 7+ किया, आप 9 डे तक पहुंच गए थे। जैसे यहाँ पे 2 पे खड़े थे और आपने 30 डे+ किया, आप 32nd डे तक पहुंच चुके थे, राइट। तो इस केस के अंदर मैंने क्या बोला, रिटर्न जीरो। बात समझ में आती है? तो हमने बेस केस लिख लिया। हमने पहले निकाला ऑप्शन वन, जब मैं क्या करूंगा, जब मैं सिंगल डे का टिकट लूंगा, सिंगल डे पास लूंगा। मैंने बोला वन डे का जब पास होगा, जब वन डे का पास होगा तो कोस्ट कौन सी लेनी है, कोस्ट ऑफ जीरो लेनी है। बहुत बढ़िया, तो मैंने कोस्ट ऑफ जीरो ले ली। बट आगे की प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, आपने इस दिन तो ट्रैवल कर लिया, पर बची हुई प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी है। बची हुई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो कॉस्ट ऑफ दिस प्लस बची हुई प्रॉब्लम कौन सी है, वो रिकर्जन संभाल लेगा। सॉल्व एन कॉमा डेज कॉमा कॉस्ट कॉमा इंडेक्स प्लस वन, अगले इंडेक्स भेज दिया। जिस डे पे मैं खड़ा था उसका पास तो मैंने ले लिया ना, अब मुझे अगली बची हुई प्रॉब्लम जो भी है उसको मैंने सॉल्व करने के लिए बोल दिया। अगली प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, अगले इंडेक्स से, तो प्लस वन कर दिया। ये गेम हो गई, राइट। ये पहली गेम हो गई। मैंने बोला अगर मैं 7 डे का पास लूँ तब, उसके लिए आपको अपने इंडेक्स को उतना ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मैंने एक इंट आई ले लिया था, इंट आई, और मैंने यहाँ पे आपको बोला कि फोर लूप मैंने चलाया जहाँ मैंने आई स्टार्ट कर दिया इंडेक्स से, जिस भी डे पे मैं भी खड़ा हूँ उसके इंडेक्स से आई को स्टार्ट कर दिया। कंडीशन क्या है कि आई जो है एन के अंदर रहे, एंड और क्या कंडीशन होगी कि जिस भी डे पे मैं पहुंच गया, डे ऑफ आई वो हमेशा कम होना चाहिए डे ऑफ इंडेक्स प्लस 7। अभी आप जिस भी कॉल पे आए हो, कौन से इंडेक्स पे खड़े हो, भैया मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, आप कितनी आगे जाना चाहते हो, भैया 7 तक जाना चाहता हूँ, तो ये टोटल ये डेज इंडेक्स प्लस 7 क्या दे रहा आपको कि 7 डे का पास लेने के बाद आप एट मैक्स किस दिन तक पहुंच सकते हो, 7 डे का पास लेने के बाद आप एट मैक्स किस दिन तक पहुंच सकते हो, राइट। तो आपने डेज ऑफ आई को बोल दिया कि भाई इससे आगे मत जाना, आप जा नहीं सकते क्योंकि इससे आगे पास आपको अलाउ नहीं करेगा, राइट। तो 7 दिन के पास के लिए आपने इसको इस प्रकार इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। कुछ बॉडी नहीं है इसकी बॉडी नहीं है, इसको हमने इंडेक्स को आगे बढ़ाने के लिए लिख दिया। हमने फिर ऑप्शन 2 लिख दिया कि भैया ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 है 7 डे का पास, इसके लिए कॉस्ट ऑफ 1 लेनी पड़ेगी, प्लस करूंगा जो बची हुई प्रॉब्लम है, राइट। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि 1, 2, 5, 7, 20, 35 ऐसा, अगर मैं 1 पे 7 डे का पास ले लूंगा तो वो कब तक चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन शॉर्ट आपका ये पास यहाँ तक चलेगा, और बाकी बची हुई प्रॉब्लम के लिए आपको रिकर्जन को देना पड़ेगा, वो रिकर्जन पे तुम सॉल्व करो। तो वही चीज हमने करी, हमने बोला मेरा इंडेक्स जो है अभी यहाँ पर है, हमने बोला मेरा इंडेक्स जो यहाँ पे, इसको 7 दिन आगे तक ले जाओ, इसको 7 दिन इंडेक्स यहाँ पे हमने इसी ऊपर आई लगा दी, हमने बोला आई को 7 दिन आगे तक ले जाओ। तो आई कहाँ पहुंच गया, 7 के जस्ट बाद, यानी कि यहाँ पर। तो हमने इतने पार्ट को सॉल्व कर दिया कि यार ये तो कॉस्ट ऑफ 1 लगेगी, और अगला पार्ट जो है उसमें आई को एज एन इंडेक्स पास कर देना, रिकर्जन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो आपने बोला सॉल्व कर दो n, days, cost, i, डन। आई क्या है यहाँ पे, आई है 7 दिन के बाद अगला दिन कौन सा है उसका इंडेक्स। 7 दिन का पास तो आपने ले लिया, अब उसको अगला कौन सा दिन है, जैसे इस केस के अंदर आपने जब यहाँ पे खड़ोगे पास लिया तो 7 दिन के बाद अगला दिन कौन सा है, 20 है, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो आई होगा। ये कौन कर रहा है, लाइन नंबर 14 कर रही है, ठीक है। सेम केस अगर लेट से मैंने 30 डे का पास लिया होता, 30 डेज का पास लिया होता तो क्या होता, मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दो ऊपर से, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने बोला अगर मैंने 30 डे का पास लिया है तो कुछ नहीं, सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे 7 की जगह 30 करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑप्शन 3 कर देना, ऑप्शन 3 के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉस्ट 2 लगेगी, और आपने सॉल्व कर लिया। तो आपके तीनों तरीके के आंसर आ चुके हैं, ऑप्शन 1 आ चुका है, ऑप्शन 2 आ चुका है, और ऑप्शन 3 भी आ चुका है। मैंने बोला मुझे आंसर में क्या चाहिए, मुझे इनका मिनिमम चाहिए, मैंने रिटर्न मिनिमम ऑफ ऑप्शन 1 कॉमा मिनिमम ऑफ ऑप्शन 2 कॉमा ऑप्शन 3, ये मैंने कर दिया। अब मैंने इसको एक बार रन करके देखा, ठीक है, एक बार रन करते हैं फटाफट, चलता है कि नहीं चलता, करेक्ट आंसर, सबमिट करते हैं। वैसे टीएलई आना चाहिए पर देखते हैं, रिकर्सिव सॉल्यूशन है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, ओह माय गॉड। तो जो हमने सॉल्यूशन लिखा बहुत बेकार सॉल्यूशन लिखा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लग रही है, बट शायद टेस्ट केसेस थोड़े से हल्के हैं तो ये पास हो गया, बट जनरली इस केस में जब ये सॉल्यूशन लिखेंगे तो टेस्ट केस पास नहीं होंगे आपके, ठीक है, हो गया, किस्मत वाली बात है, टेस्ट केस खराब है उसकी, ठीक है।
तो हमने रिकर्जन के द्वारा इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास अगला सोल्यूशन कौन सा होना चाहिए, मेमोराइजेशन लगाएंगे इसके अंदर, मेमोराइजेशन। तो हमने इसे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, हमने बोला सॉल्व मेम रख दो इसका नाम, 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 ठीक है। हमने क्या बोला इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके मुझे dpr बनाना पड़ेगा। मैंने बोला एक वेक्टर बना लिया भैया, वेक्टर int dp ऑफ n प्लस वन साइज का, और इसमें डाल दिया माइनस वन, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैंने इसको सेंड कर दिया, ठीक है, इसको लिख दिया सॉल्व मेम। मैंने यहाँ पर dp वाला एरे पास कर दिया, वेक्टर int एंड dp, और ये सारी फंक्शन कॉल के अंदर भी dp पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या होता है कि भैया आपने dp वाला एरे बना लिया, बिल्कुल सही है, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपने फंक्शन के अंदर पास कर दिया, सब कुछ पास कर दिया, पास कर दिया, पास कर दिया और ऐड कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो भी आपका आंसर उसको dp में स्टोर कराओ और रिटर्न करा देना। तो आपका आंसर क्या बन रहा है, यहां बन रहा है आंसर, तो उसको dp में स्टोर करा देना, तो इस आंसर को dp के अंदर स्टोर करा लेना, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसको dp में स्टोर करा, dp ऑफ व्हाट, dp ऑफ व्हाट, क्या चेंज हो रहा है, मुझे कैसे पता लगा 1d dp है। ध्यान से देखो, जो रिकर्जन सॉल्यूशन हमने लिखा उसमें रिकर्जन में एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है, इंडेक्स वाला, इंडेक्स प्लस वन i, तो सिर्फ एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, एक ही स्टेट चेंज हो रही है, मतलब 1d dp है। तो मैंने क्या बोला, मुझे रिटर्न क्या करना है इसमें, dp ऑफ इंडेक्स निकालना था मुझे, राइट, इंडेक्स, उसके इसमें सेव कर लिया और इसको मैंने रिटर्न करा दिया, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा dp का, ठीक है। थर्ड स्टेप, जहां आपका बेस केस खत्म हो रहा है वहां पर एक कंडीशन लगा दो कि अगर dp के अंदर आंसर स्टोर्ड है ऑलरेडी तो भैया वो रिटर्न करा देना, दैट्स हमने माइनस वन लिया था स्टार्टिंग के अंदर। तो ये आपका होगा रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन वाला सोल्यूशन। फटाफट मैं इसको रन करके देखता हूँ चलता है क्या नहीं चलता, करेक्ट आंसर सबमिट करके देखते हैं, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया, राइट। तो हमने रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं हमारे थर्ड सोल्यूशन की तरफ, जिसका नाम है टेबुलेशन वाला, टेबुलेशन वाला डीपी, बॉटम अप अप्रोच। अरे 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 अरे, हाँ ठीक है। तो हमने इसी को कॉपी कर लिया, हमने इसी को पेस्ट कर लिया, इसका नाम चेंज कर दिया सॉल्व टैब। हमें डी पी आर की नीड नहीं है यहाँ पर, आई थिंक इंडेक्स की नीड भी नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। हमने बोला इस पूरे को, सॉरी गाइस, इसको पूरे को हमने हटा दिया, ठीक है। तो टैबुलेशन के अंदर आप क्या करते हो, बोले वेक्टर ऑफ सबसे आप जो भी dpr है उसको बना लेते हो, वेक्टर dp n प्लस वन, हमें मिनिमम निकालना है, तो हमने यहाँ पे int max सेट कर दिया इनिशियली हर जगह। लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बोला कि मिनिमम मुझे आंसर निकालना है, दैट्स मैंने यहाँ पे dp में बॉटम अप अप्रोच के अंदर int max सेटअप कर दिया, राइट। सेकंड क्या करना होता है भैया, मुझे ऊपर वाले सोल्यूशन यानी रिकर्जन वाले सोल्यूशन में जाना है और बेस केस को एनालाइज करके यहाँ पे वैल्यू फुलफिल करनी है। मैंने बोला सिंपल है, ये कहता है इंडेक्स इक्वल टू n है तो रिटर्न जीरो। तो मैंने सिंपल यहाँ पे गया, मैंने बोला भैया dp ऑफ n इज इक्वल टू जीरो, खत्म, dp ऑफ n इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आप किस प्रकार सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर आप क्या सॉल्व कर रहे थे, टॉप डाउन के अंदर, कि आपने इंडेक्स जो ज्यादा जीरो दिया था स्टार्टिंग के अंदर, आप धीरे धीरे उसको बढ़ा बढ़ा के आगे की तरफ जा रहे थे, आप धीरे उसको आगे बढ़ा बढ़ा के आगे बढ़ रहे थे, राइट। टॉप डाउन के अंदर आपका इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, उसके आगे बढ़ रहा था। बॉटम अप के अंदर क्या होगा भैया, हमने dp ऑफ n तो ऑलरेडी सेट कर दिया है, बॉटम अप के अंदर उल्टी अप्रोच आती है, राइट। टॉप डाउन में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं, बॉटम अप में नीचे सॉल्यूशन बिल्ड करते करते ऊपर की तरफ आते हैं, राइट। तो हमने एक लूप चलाना पड़ेगा, पहले हमारा सॉल्यूशन कहां जा रहा था, जीरो से n की तरफ, अब जाएगा n माइनस वन से जीरो की तरफ, राइट। n का सॉल्यूशन ऑलरेडी बना लिया, दैट्स व्हाई n माइनस वन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो i इज इक्वल्स टू, या फिर इसको कंफ्यूज ना करते हुए आपको, तो मैंने इसको बोल दिया कि भैया तुम हो के, हो तुम के हो, के को स्टार्ट कर दिया i माइनस वन, सॉरी n माइनस वन से, और मैंने बोला k ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए और k माइनस वन इस प्रकार, राइट। अब किसी को अगर ये समझ में नहीं यार कि n माइनस वन से क्यों कर रहे हैं और ये उल्टे की दशा में क्यों जा रहे हैं, तो समझा देते हैं। तो इंडेक्स जीरो भेजा था आपने और यहाँ पे प्लस वन कर रहे थे, यहाँ पे प्लस सेवन कर रहे थे, यहाँ पे प्लस थर्टी कर रहे थे, ये था आपका टॉप डाउन अप्रोच, ये था आपका टॉप डाउन अप्रोच। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ गए तो आपने क्या बोला कि भैया dp ऑफ n तो मुझे ऑलरेडी पता है, dp ऑफ n तो जीरो है, अब इससे ऊपर की तरफ आ रहे हो, आप इससे ऊपर की तरफ आ रहे हो, राइट, इससे ऊपर की तरफ आ रहे हो। तो आपने इसके बाद dp ऑफ n माइनस वन निकाला, फिर dp ऑफ n माइनस टू निकाला, ऐसे करते 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 आपका आंसर कहाँ स्टोर हो जाएगा, dp ऑफ जीरो के अंदर आपका आंसर स्टोर होगा, तब तो इसको बॉटम अप कहते हैं, राइट। बात समझ आ गई, चलो अब हमने क्या बोला, आप अंदर क्या लिखना है, अंदर तो सिंपल है, जो आपने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है वही कॉपी पेस्ट करना है भाई, और खास तो नहीं। मैं बोला वेरी गुड, अच्छी बात है, सीख रहे हो तुम सब कुछ यार। इसको हमने किया थोड़ा इंडेंटेशन वाइज अच्छा सा, साफ सुथरा सा। हमने क्या बोला,
कि जहां जहां रिकर्सिव कॉल है उसको डीपी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहां पर हमने डीपी में कन्वर्ट कर दिया इसको, सॉल्व मेम को हम लिखा डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन, वेरी गुड। हमने यहां पे बोला डीपी ऑफ आई, वेरी गुड। फिर हमने यहां बोला डीपी ऑफ आई, राइट, डीपी ऑफ आई आर, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई। और क्या किया जाए भैया, ये वाला लूप हमने चला रखा है के वाला, तो इसके आधार पर चीजें अपडेट कर देना, ठीक है। अब जहां जहां तुम्हारा इंडेक्स लिखा हुआ है उस इंडेक्स की नीड नहीं है, ये के हमने जो लिखा है इस के को यूटिलाइज करना है हमें, राइट। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, राइट। आपको रिटर्न क्या करना है, जो भी आपका डीपी ऑफ जीरो था, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे सॉल्यूशन में आपको इंडेक्स वाले वेरिएबल की नीड ही नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कॉल करके, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमने बोला रिटर्न कर दो सॉल्व टैब एन कॉमा डेज कॉमा पोस्ट, हमने इसको रन किया, ये हमारा टैबुलेशन वाला मेथड और आंसर आ गया करेक्ट, बहुत बढ़िया, सबमिट कर दिया और ये हमारा सॉल्यूशन फिर से करेक्ट आ गया। इस प्रकार हमने इस सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर लिया, कुछ भी नहीं किया था ऊपर से, बस को ये हमने यहाँ से सॉल्यूशन निकाला, ऊपर वाला सॉल्यूशन इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसी में चेंज कर दिया, जहां जहाँ रिकर्सिव कॉल थी उसको कन्वर्ट कर डीपी में कर दिया, खत्म, डन सीन्स। अच्छा भाई, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे जो इंडेक्स लिखा हुआ है, उसको मुझे हटा के लिखना है, आपको कैसे पता लगा? मैंने बोला अभी बता देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने लिखा कि डीपी ऑफ एन इक्वल टू जीरो, ये कैसे पता लगा था? ऊपर गए थे, ऊपर से इसको पकड़ के हम लाए थे, राइट, इसको पकड़ के हमने कन्वर्ट किया था कि जब इंडेक्स इक्वल टू है ना तो आंसर जीरो बता रहा है, तो उसी पर हमने यहाँ बोलते कि डीपी ऑफ एन को जीरो कर देना, ठीक है। जब मैंने बोला कि फोर लूप कैसे पता लगेगा, आपने बोला भैया डीपी ऑफ एन तो सेट कर दिया, अब बचा वो स्पेस क्या है। अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं तो आपके पास टोटल ये वाला एरे था, भैया यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, देखिए एन, आपने डीपी ऑफ एन में जीरो सेट कर दिया, इतना पार्ट तो हो गया, अब बचा क्या, इतना पार्ट बचा, कौन सा पार्ट भैया, डीपी ऑफ जीरो से लेके ये एन माइनस वन इंडेक्स वाला, ये सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या लगा दिया कि फॉर एन माइनस वन से स्टार्ट करो और जीरो तक जाओ, तो मैंने फोर लूप लगा दिया। अब यहाँ पर आपका जो ये, यहाँ पर आपने के लिया हुआ है, ये आपके इंडेक्सेस को दर्शा रहा है। और पुराने वाले सॉल्यूशन के अंदर आपने जो इंडेक्स वाला वेरिएबल लिया हुआ था वो आपके इंडेक्सेस को दर्शा रहा था, तो यहाँ पर हमें वो इंटरचेंज करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ये बात समझ में आती है, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया। अब सवाल है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का, वहां तक जाने से पहले फटाफट पुराने सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। हमने बोला पहला सॉल्यूशन जो लिखा, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल जा रही है तीन, ठीक है, हर केस के अंदर तीन रिकर्सिव कॉल जा रही है, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एक्सपोनेंशियल, राइट। उसका सेकंड केस में गया रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन के अंदर, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शन वन निकाला, फिर आप ऑप्शन टू निकालते हैं और फिर आप ऑप्शन थ्री निकालते हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर और आप आंसर निकाल के दे देते हैं, राइट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप डीपी आपने लगा रखी है, तो आप डीपी ऑफ इंडेक्स में जाएंगे, ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू देखते हैं, इंडेक्स की वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है, ठीक है। आपके जो डेज हैं, आपका इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, आपके डेज वाले एरे पर डिपेंड करता है कितना बड़ा है, आपका डेज वाला एरे कितना बड़ा हो सकता है, अरे भैया 1 से लेकर 365 इतना ही दिन तो है, तो टोटल 365 हो सकता है, तो आपका इंडेक्स जो है वो बेसिकली 365 तक जा सकता है एट मैक्स, राइट। तो आपके डीपी एरे के अंदर टोटल 365 वैल्यू स्टोर हो सकती है। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं भैया, राइट। आपके डीपी पर डिपेंड करता होगा कि आपके डीपी में कितनी वैल्यूज हैं, और हमें क्या पता कि एक ईयर के अंदर सिर्फ 365 वैल्यूज हो सकती हैं, तो ओ ऑफ वन के अंदर हमने ये सोल्यूशन निकाल दिया है, राइट। इस प्रकार ये सोल्यूशन आपको अच्छा लग रहा होगा, यार मजा आ गया इसको देख के। थर्ड सोल्यूशन टैबुलेशन वाला,
यहाँ पर हम लूप लगा रखे n-1 से 0 तक, तो यहाँ पे ओ ऑफ n के अंदर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। स्पेस की अगर बात करें तो dp ऑफ n प्लस 1, यहाँ पे आपने स्पेस ऑलरेडी ले रखा है, ये बात हमें समझ में आ गई। ओके ओके ओके, अब चलते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पर। क्या मैं इसको और स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? क्या मैं इस सोल्यूशन को ओ ऑफ वन स्पेस में कर सकता हूँ? जैसे यहाँ पर मुझे ओ ऑफ n स्पेस यूज करना पड़ रहा है, क्या मैं इसको ओ ऑफ वन स्पेस में यूज कर सकता हूँ? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हैं भैया, कैसे कर सकते हैं? चलो अप्रोच नंबर 4, जहां पे हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं, कैसे होगा वो? ठीक है, तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाली अप्रोच हम आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर, अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में आपको बता जाएगी। अभी क्यों नहीं भैया? क्योंकि अभी हो रहे हैं 3:35 AM और मेरे को अगले 20 मिनट के अंदर अपने घर से निकलना है बैंगलोर के लिए, वहां पे जाएंगे, वहां पे शूट करेंगे। तो अभी के लिए हमने इसको 3 अप्रोच पर छोड़ दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे। आपने सीख लिया किस प्रकार रिकर्जन सॉल्व करना है, किस प्रकार टैबुलेशन सॉल्व करना है, किस प्रकार रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन लगानी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे बड़ा मजा आया अब तक जितना हमने क्वेश्चन की डीपी के अंदर। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे ये वाला लग रहा है भाई, ठीक है, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपने फीडबैक, अपने ओपिनियंस, अपने विचार आप कमेंट सेक्शन के अंदर प्रकट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए